फिरोजाबाद नगर निगम के ड्राइवर की हादसे में मौत, कर्मचारी हुए जमा, मुआवजे की मांग। फिरोजाबाद नगर निगम में कार्यरत ट्रैक्टर ड्राइवर विशाल शर्मा कल निगम के काम से गया था, इसी दरमियान हादसे हो गया और उसकी देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने मृतक के घर वालों को 20 लाख और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। मौके पर नगर विधायक भी पहुंचे फिरोजाबाद से। देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। वाहन चालक संघ यहाँ पर धरना दे रहा है और साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी योगी सरन जी हैं और भी उनके जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हैं। मेन हमारा उद्देश्य यह है, कल रात को एक ड्राइवर है विशाल दीक्षित, जो उसको रात में टैंकर लेकर भेजा गया, उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हो गई कि वो टैंकर के नीचे दब के एक्सपायर हो गया। तो अधिकारियों ने जब कोई शुद्ध नहीं ली तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा 20 लाख उसकी पत्नी को, उसकी नौकरी सरकारी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक उनको हम लोग अधिकार, उनका हक नहीं दिलाएंगे, तो यहाँ से नहीं उठेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, नगर निगम में वर्कशॉप में लगभग 15-16 गाड़ी कंडम हो चुकी हैं, जो कि ड्राइवर अपनी रिक्स पर उनको भेज दिया जाता है। जब वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे कहते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि आज शाम को करा देंगे, आज दोपहर में करा देंगे, लेकिन बाद में फिर वही हो जाता, फिर सुबह आती है, फिर उनको यही आश्वासन दिया जाता है। तो ये लोग एक बड़ी अनहोनी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज एक की जान गई है, हो सकता है और इंतजार कर रहे हो। जब 15-16 गाड़ी हैं तो अगर वो उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर गाड़ी किसी हमारे जो नगर निगम का ड्राइवर है, अगर उससे कोई भी टच हो जाता है तो ड्राइवर को खुद मुआवजा दिलाया जाता है, लेकिन ड्राइवर के साथ कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके साथ कोई सहूलियत नहीं होती। तो इसी सब चीज़ों को लेकर हम उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम यहीं पे बैठे रहें। विभाग द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? विभाग के हमारे अपर साहब हमारे मौजूद आ चुके हैं, वो हमें जो ठेकेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके जो सहायक प्रभारी हैं जडेजो साहब वो भी हमारे बीच में हैं, और जीएम साहब हैं जो प्रबंधक हैं कार्यशाला के, वो भी हमारे बीच में। ये लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये कि जब तक हमारा यहाँ पे जो मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। कब की घटना है ये? ये रात 11:30 बजे।